फ्राइडे को कह रहे हैं कि दो लड़कियों को तो फ्राइडे को रेप हुआ था एंड वो वीकेंड पूरा उनको यूज़ किया अच्छा खासा जो है ना साइंस ब्लॉक बीएस ब्लॉक है और जो फातिमा ब्लॉक है उनकी स्टेयर्स के नीचे रूम है कोई छोटे छोटे से बने हुए उन रूम में वो सब कुछ उन्होंने उनको यूज़ किया है पूरे दो दिन पूरा वीकेंड यानी कि और मंडे की मतलब ना मतलब संडे की रात को उनको मार के एक को लाइब्रेरी में फेंक दिया एक को लैब में बंद कर दिया और लॉक कर दिया बाहर से और लाइब्रेरी को भी लॉक कर दिया और एक को ना साइंस ब्लॉक के बाथरूम में उन्होंने फेंक दिया और अगले दिन सुबह फिर मंडे वाले दिन दो की लाशें मिल गई थी एक की मिली थी बाथरूम से और एक की लाइब्रेरी में से मिली थी लेकिन जो लैब वाली है ना उसकी कल मिलती वो तो मेरी खुद मैंने अपनी आंखों से देखी मेरे सामने गई है लैब वाली तो मतलब तीन हैं लेकिन ये बात छुपा रहे हैं और सिर्फ एक का बता रहे हैं और एक का बता के भी ये कह रहे हैं कि उसने सुसाइड की है और ना मतलब उसने एसिड से उसको पता नहीं क्या मतलब जान के कह रहे हैं कि उसने सुसाइड की है हालांकि ऐसा नहीं है ये तीन मर्डर और तीन रेप हुए हैं एटलीस्ट और इतनी टेंशन फैली हुई यूनिवर्सिटी में इतना ही बोल रही ना कहने को तैयार है कि हमें पता है कौन थी वो या कौन है वो किसी को भी नहीं पता ना कोई बताने को तैयार है और सिटी 41 वाले जो थे ना वो आए थे फर्स्ट डे मंडे को आई गेस तो उन्होंने न्यूज़ भी लगाई थी तो उनको भी वीसी ने चुप करा दिया तो वो न्यूज़ हटा दी हुई अब न्यूज़ भी नहीं आती है इस बारे में तो मतलब इस कदर दरिंदगी फैली हुई है और हर जगह कैमरे हैं तुम्हें तो पता ही होगा मतलब लाइब्रेरी में भी कैमरा है इवन सड़कों पे जाने जाने वाला रास्ता है वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए हैं हर जगह कैमरे हैं इनके पास अच्छी खासी फुटेज होगी लेकिन ये जान के नहीं शो कर रहे कि इनकी रेपुटेशन की इनको पड़ी हुई है और दूसरा फिर जिसके पास लाइब्रेरी की कीज़ थी जिसके पास लैब की कीज़ थी वो तो साफ मिले हुए हैं ज़ाहिर अंदर उन्होंने लाशें रखी हैं तो उनको नहीं पता होगा तो पता नहीं अभी क्या करेंगे कोई आवाज़ उठाने को तैयार ही नहीं ना कोई कुछ कहने को तैयार है सब चुप करके बैठे हुए हैं।